2024 का चुनाव नजदीक है, लिहाजा इस खास स्ट्रैटेजी पर चल रहा है काम। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी से निकाले गए 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की होगी वापसी और राजधानी लखनऊ से शुरू हुआ बीजेपी का घर वापसी अभियान। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में, आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। जबरदस्त भीड़ और खचाखच भरा हुआ हॉल, पीछे भारतीय जनता पार्टी का बैनर और सभी के गले में बीजेपी का सिंबल। यहां हर किसी को फोटो खिंचाने की हड़बड़ी है, क्योंकि दिखाना है कि वो बीजेपी यानी कि अपनी पुरानी पार्टी में वापस शामिल हो चुके हैं। यह नजारा है राजधानी लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय का, जहां उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन तमाम कार्यकर्ताओं की घर वापसी हुई और उन सभी के साथ डिप्टी सीएम ने बीच में बैठ के फोटो भी खिंचवाई। पार्टी की तरफ से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पहुंचे बीजेपी नेताओं को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। चलिए इस बीच अब असल मुद्दे की बात कर लेते हैं। बात ये कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, अब तो एक साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी किसी भी सूरत में जरा सा भी चूकना नहीं चाहती है, सो अपने पुराने लोगों की घर वापसी से शुरुआत कर रही है। शुरुआत 2024 के लिए एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी की। निकाय चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने वाले या उनका समर्थन करने वाले बागियों की बीजेपी में वापसी होगी। अप्रैल मई में इन बागियों को 6 साल के लिए बाहर किया गया था, पर प्रदेश संगठन ने इससे पहले ही इन्हें वापस लेने का फैसला कर लिया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इनकी वापसी शुरू हो चुकी है। पहले चरण में अवध क्षेत्र के बागियों को वापस लिया जा रहा है। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में बागियों पर विचार विमर्श किया जाएगा और इनकी वापसी भी होगी। बता दें कि निकाय चुनाव के दौरान करीब 5000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बीजेपी में बागियों की वापसी की शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो गई। आज प्रदेश कार्यालय लखनऊ में उन 35 से ज्यादा बागियों को बुलाया गया था, जिन्हें किसी न किसी वजह से बीजेपी से हटा दिया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की मौजूदगी में इन सभी बागियों को बीजेपी में वापस ले लिया गया। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि पहले चरण में अवध क्षेत्र के 300 से ज्यादा बागियों को चिन्हित कर लिया गया है। इनमें 3 पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, 14 पूर्व पार्षद के साथ ही पूर्व मंडल और वार्ड अध्यक्ष भी शामिल हैं। इन सभी की वापसी पर काम चल रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी विपक्षी दलों में सेंधमारी के साथ नए चेहरों की ज्वाइनिंग का अभियान भी शुरू कर सकती है। इसके बाद हर जिले में ज्वाइनिंग अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय ने सभी जिलों से इसके लिए सूची मंगवा ली है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की ज्वाइनिंग प्रदेश स्तर पर करवा दी जाएगी। निकाय चुनाव में बाहर किए गए लोगों की बड़े पैमाने पर वापसी कराने के पीछे बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपनी जमीन को मजबूत करना है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने बाकायदा एक कमेटी बनाकर बागियों की सूची बनाई है। कमेटी ने हर जिले में पड़ताल की तो पाया कई जिलों में बागी जीत भी गए थे, पर वो दूसरे दलों में नहीं गए। मूल रूप से वो बीजेपी की विचारधारा वाले ही कार्यकर्ता हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहे तो वार्ड और मंडल स्तर पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसीलिए इन्हें वापस लेने की रणनीति पर अब विचार किया जा रहा है और इसी पर आगे भी बढ़ा जा रहा है। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एनडीटी ऑनलाइन। नमस्कार।